आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल के बारे में जिनका टाइटल है बीम बाय कांस्टेंट लेंथ टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एम ऑफ दिस प्रैक्टिकल, टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस वाई ऑफ मटीरियल बाय बीम मेथड विथ कॉन्स्टेंट लेंथ। अब यहाँ पे एम को पढ़ने के बाद दो तीन बातों के ऊपर गौर कीजिए। सबसे पहले है यंग मॉड्यूलस। तो अगर आप इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं तो आपको पता होगा कि तीन टाइप के अलग अलग मॉड्यूलस होते हैं, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में हमें समझना है यंग मॉड्यूलस को। आपको कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल दिया जाएगा और उस मटेरियल का आपको क्या डिटरमाइन करना है, यंग मॉड्यूलस डिटरमाइन करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यंग मॉड्यूलस को डिटरमाइन करने के लिए उस मटेरियल को हम यूज करेंगे उसकी लेंथ के अक्रॉस में। दूसरी बात आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे लिखा है बीम मेथड, मतलब कि मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल में अगर आप यंग मॉड्यूलस को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपके पास दो अलग अलग मेथड्स है, एक है बीम मेथड और दूसरी है कैंटिलीवर मेथड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बीम मेथड के बारे में। तो हम बीम किसे कहते हैं, तो आप इस एनिमेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग एंड से आपका ये एक रोड क्या है, फिक्स है। फिक्स मतलब कि सपोर्टेड है और इस रोड के ऊपर कुछ यहां से फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये रोड जिस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं तो ये बेंट हो रहा है और बेंट होने की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। तो ये जो डिफॉर्मेशन है उसे हम यहाँ पे इलास्टिसिटी के वर्ड्स के अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस और स्ट्रेन दो अलग अलग प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए पढ़ने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक टर्म बन के आती है जिसे हम कहते हैं यंग मॉड्यूलस। तो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में हम यंग मॉड्यूलस डिटरमाइन करने के लिए आपका ये जो पर्टिकुलर स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन को हम यहाँ पे बीम की तरह से यूज करेंगे। बीम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल दोनों छोर से सपोर्टेड है तो इस सेटअप को हम बीम कहते हैं। अगर यही मटेरियल कोई एक ही एंड की ओर से ये सपोर्टेड हो और दूसरी एंड से वो फ्री हो तो उसे हम कहते हैं कैंटिलीवर। तो यहाँ पे आपका मटेरियल दोनों छोर से क्या है, सपोर्टेड है, तो इसे हम कहेंगे बीम। और यहाँ पे आप बीम मेथड में भी एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट लेंथ। मतलब ये है कि यहाँ पे इस सपोर्ट और इस दूसरे सपोर्ट, इन दोनों सपोर्ट के बीच में आप इस स्पेसिमेन की लेंथ को क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे वेरी क्या होगा, वेरी होगा यहाँ पे बीच में लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स एक वेट फोर्स के फॉर्म में लागू होगा। वेट फोर्स से मतलब ये है कि जिस तरह से हम लिखते हैं W इज इक्वल्स टू एम जी, तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर वैल्यू के मासिस को हैंग करेंगे और उस मासिस के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लागू होगा और इसकी वजह से क्या होगा, एम और जी दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वजह से एक वेट फोर्स बन के आएगा जिसे हम कहेंगे फोर्स। तो ये फोर्स आप यहाँ पे इस बीम के सेटअप में बीच में लागू करेंगे और बीच में ये फोर्स लागू होने की वजह से क्या होगा, ये बेंट होगा। और इस बेंट की प्रोसीजर में हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। तो यहाँ पे ऑलरेडी एम को समझाते हुए मैंने आपको कई सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर कर दी है। आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो यंग मॉड्यूलस को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे जी एल क्यूब अपॉन 4 times BD³ इंटू द ब्रिकेट एम बाई ई, और यहाँ पे यूनिट होगा डाइन पर सीएम स्क्वेयर। एक बात अच्छी तरह से आप अपने दिमाग में उतार लीजिए कि जैसे ही हम यहाँ पे बैचलर या फिर मास्टर डिग्री में कोई भी प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जनरली जो भी रिजल्ट बन के आएगा वो रिजल्ट इन जनरल केस CGS यूनिट में होगा, क्योंकि लैब में जो भी डाइमेंशंस या फिर जो भी क्वांटिटीज को हम यूज करते हैं वो सभी क्वांटिटी जनरली CGS यूनिट में होती है। तो यहाँ पे आपका यंग मॉड्यूलस का यूनिट डाइम पर सीएम स्क्वेयर कौन सी क्वांटिटी से बिलोंग कर रहा है, CGS यूनिट से बिलोंग कर रहा है। फिर देखिए अपैरेटस, जाहिर सी बात है ये प्रैक्टिकल आपका मैकेनिक्स का है, तो मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल में सिर्फ और सिर्फ
अपेरेटस होते हैं, कोई कंपोनेंट्स जैसी चीजें यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे बीम का, जी क्लैम्प्स जिसे हम कहेंगे यहाँ पे, ये दो सपोर्ट्स। फिर आप यूज करेंगे सेट्स ऑफ स्लॉटेड वेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वेट फोर्स लागू करने के लिए आप यहाँ पे अलग अलग मास को रिप्रेजेंट करने वाले स्लॉटेड वेट्स को यूज करेंगे, जिनकी वजह से आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। फिर है वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और स्केल। तो वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज किन के लिए आपको चाहिए? ये जो आपका स्पेसिमेन है ना, ये स्पेसिमेन अपना यंग मॉड्यूलस दो अलग अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड रखता है। वो दो प्रॉपर्टी क्या है? इस स्पेसिमेन का ब्रीथ और डेप्थ। तो स्पेसिमेन की ब्रीथ और डेप्थ को मेजर करने के लिए आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जिनका नाम है वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो ये थे आपके अपेरेटस और आपका प्रैक्टिकल का एम। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए इन सभी अपेरेटस को हम किस तरह से सेटअप करेंगे। तो ये है आपका प्रैक्टिकल का सेटअप डायग्राम। जैसे यहां पे एक सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, कुछ इसी तरह से हमने भी यहां पे दो स्टैंड्स को यूज किया है, जो स्टैंड्स आपके लिए यहां पे सपोर्ट की तरह से काम करेंगे। फिर ये जो बीच में आपका स्पेसिमेन है, कुछ इसी तरह से हमारे पास हमें दिया जाने वाला मेटल रोड यहां पे इन दोनों सपोर्ट्स के ऊपर रखा गया है। फिर आप क्या करेंगे, बीच में यहां पे वेट्स को हैंग करेंगे। और जैसे ही आप यहां पे वेट्स को हैंग करते हैं, तो ये जो आपका मेटल रोड है ना, वो यहां पे डिप्रेस होगा। और डिप्रेशन को मेजर करने के लिए आप यहां पे एक वर्टिकल स्केल को सेट करेंगे, जिस वजह से आप अलग अलग वेट को जब लगाते हैं तब कौन सा डिप्रेशन कितनी वैल्यू पे मिलता है, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में आपको ये आपके अपेरेटस को किस तरह से सेटअप करना है, ये अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपने सेटअप किस तरह से होता है ये सभी बातें देख ली है। लेकिन ये प्रैक्टिकल मैकेनिक्स का है, और मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल में कुछ अलग अलग ऐसी बातें होती है जो कि प्री डिसाइडेड होती है। मतलब कि प्रैक्टिकल को जब आप परफॉर्म करते हैं, तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है, कुछ ऐसे मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है, जो बातों को आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की तरह से कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया, किस लिए? जो ये आपका मेटल रोड है ना, इस मेटल रोड के ब्रीथ और डेप्थ को मेजर करने के लिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि ये जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, इन दोनों के लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट से मतलब क्या होता है कि ये मिनिमम कितनी वैल्यू को या फिर कितने डायमेंशन को ये मेजर कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के तौर पे आपका ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है ना, वो भी यहां पे लिखा जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, फिर यहां पे आपने जो ये मटेरियल यूज किया है, उस मटेरियल की ब्रीथ और डेप्थ, ये दोनों भी आपके लिए एक ऑब्जर्वेशंस होंगे। क्योंकि अलग अलग मटेरियल में अगर ब्रीथ और डेप्थ अलग अलग है, तो इन सभी मटेरियल में भले ही मटेरियल सेम हो,
लेकिन ब्रीथ और डेप्थ अलग अलग होने की वजह से यंग मॉड्यूलस की वैल्यू में भी चेंज आएगा, मतलब कि यंग मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी ब्रीथ और डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड्स है। फिर क्या होंगे, यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल कॉन्स्टेंट लेंथ के फॉर्म ने परफॉर्म किया है, मतलब कि ये जो आपका स्टैंड वन और ये आपका स्टैंड टू, इन दोनों स्टैंड के बीच में ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को आप थ्रू आउट द प्रैक्टिकल फिक्स रखेंगे। और जो भी आपका वेरिएशन है वो वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ किन में है, फोर्स में है। और फोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हैंग होने वाले अलग अलग वेट्स। तो यहाँ पे आप लेंथ को फिक्स रखेंगे, तो वो लेंथ कितनी फिक्स रखेंगे, इन लेंथ के ऊपर आपकी ये जो डिप्रेशन की वैल्यू है वो डिपेंड्स करती है। तो यहाँ पे आप कितनी लेंथ फिक्स रखते हैं ये भी आपको एक ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पे मैंने 80 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल को 70 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर में परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे मैंने आपको आगे बोला था कि यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल CGS यूनिट को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे जी की वैल्यू को भी हमने यहाँ पे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, वरना हम SI यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे CGS यूनिट्स को फॉलो करने हैं। अब ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। तो देखिए, जैसे हमने आगे बोला था कि लेंथ यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट लेंथ होने की वजह से ऑब्जर्वेशन टेबल में हम कहीं पे भी लेंथ का जिक्र नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारा मास, जो कि हम यहाँ पे मटेरियल के बीच में हैंग करते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको दो अलग अलग फॉर्मेट्स प्रिपेयर करने हैं। पहला क्या है कि आप स्टार्टिंग में कोई भी वेट यहाँ पे हैंग नहीं करेंगे, तो इसे हम कहते हैं जीरो। फिर आप क्या करेंगे, एक एक करके वेट्स को इंक्रीज करेंगे, फिर आप यहाँ पे 500, फिर 1000, 1500, कुछ इस तरह से आप वेट को एक हद तक इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे अलग अलग वेट्स को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे आपका ये जो स्केल के अकॉर्डेंस में मिलने वाला जो ये डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन क्या होगा, थोड़ी अलग अलग वैल्यूज के साथ आपको नोट डाउन होगा। फिर आप क्या करेंगे, इन्हीं सभी वेट्स को एक एक करके वापस निकालेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग लोड कहेंगे। पहले हमने क्या किया था, लोड को इंक्रीज किया था, मतलब कि एक एक करके लोड्स को हमने यहाँ पे ऐड किया था। फिर आप क्या करेंगे, इन सभी लोड्स को फिर से एक एक करके वापस निकालेंगे, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग लोड और डिक्रीजिंग लोड दोनों अलग अलग केस में आपके पास डिप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज होगी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो अलग अलग वैल्यूज आती है, फिर आप क्या करेंगे, इंक्रीजिंग की वैल्यू और डिक्रीजिंग की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का आप यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकलने से इन सभी वैल्यू का आपको यहाँ पे कॉलम मिलेगा, जहां पे इन दोनों प्रैक्टिकल के रीडिंग की एवरेज वैल्यू मिलेगी। फिर आप क्या करेंगे, एक्चुअल डिप्रेशन डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअल डिप्रेशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग आपने किस तरह से किया था, विदाउट एनी लोड, और यहाँ पे आपने एंडिंग भी किस तरह से किया, विदाउट एनी लोड, मतलब कि ये दोनों पोजिशन सेम टाइप की है, इन दोनों में कोई भी वेट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपकी सभी एवरेज वैल्यू है, इन सभी एवरेज वैल्यू को इस पहली वैल्यू की कंपैरिजन में क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहली जो आपकी वैल्यू है ना, इसी पहली वैल्यू में से आप इसी पहली वैल्यू को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, अगर किसी वैल्यू में से वही वैल्यू सबस्ट्रैक्ट होती है तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डैश। फिर क्या करेंगे, इन्हीं पहली वैल्यू में से इस दूसरी वैल्यू को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें कोई एक वैल्यू मिलेगी। फिर कुछ इसी तरह से इन्हीं पहली वैल्यू में से आप इस तीसरी वैल्यू को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको कोई एक वैल्यू मिलेगी। तो मतलब ये है कि डिप्रेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, ये जो आपकी पहली एक बेस हाइट है ना, इस बेस हाइट की कंपेरिजन में अलग अलग वेट को हैंग करने के वक्त क्या डिप्रेशन आपको मिला है, वो डिप्रेशन आप यहाँ पे इस बेस हाइट की कंपेरिजन में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये है आपका डिप्रेशन, जो कि असल में हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप वेट को देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एम के वक्त बताया था, W इज इक्वल्स टू एम जी, मतलब कि इस एम की वैल्यू के साथ आप 980 को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। फिर आप क्या करेंगे, इस W और ये आपका
सॉरी, ये आपका ई, इन दोनों को आप क्या करेंगे यहां पे रेशनल फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहां पे आपके पास दो अलग अलग ऑप्शन है। अगर आप W by E डिटरमाइन करते हैं तो फाइनल इक्वेशन में आप G की वैल्यू को 980 के फॉर्म में नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी W के फॉर्म में आपने G is equals to 980 यूज कर लिया होगा। लेकिन अगर आप यहां पे M by E डिटरमाइन करते हैं तो आपको फाइनल इक्वेशन में, जो आपका यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन M के वक्त मैंने आपको बताया था, उस इक्वेशन में आप G की वैल्यू को एज इट इज अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन को फॉलो कीजिए और आप यहाँ पे M by E ही फाइंड आउट कीजिए, मतलब कि ये आपका M और ये आपका E, इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में फाइंड आउट कीजिए और बाद में इन सभी वैल्यू का यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये होगा आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों लोड्स को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखिए इस वीडियो में मेरे साथ। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ, हियर वी हैव हैंडल्ड टू क्वांटिटीज डिप्रेशन ई एंड वेट एम टू गेट द यंग्स मॉड्यूलस बाय प्रैक्टिकल मेथड ड्रॉ द ग्राफ। दो क्वांटिटीज ई और एम के बीच में आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे जानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या आपका एम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ई डिप्रेशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इस प्रैक्टिकल में हमने यहाँ पे एम को अपनी
इच्छा के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक क्या किया था, वेरी किया था। और ये आपका डिप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड था, एम के ऊपर डिपेंड था। तो हमने यहाँ पे ई और एम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है और इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या मिलेगा, ई ओवर एम, क्योंकि असल में स्लोप क्या होता है, वाई क्वांटिटी अपॉन एक्स क्वांटिटी। तो यहाँ पे वाई क्वांटिटी क्या है, ई है, और ये आपकी एक्स के ऊपर की क्वांटिटी क्या है, एम है। तो जैसे हमने यहाँ पे यंग मॉड्यूलस को इक्वेशन में जब देखा था, तो उस इक्वेशन में हमारे पास ब्रैकेट में जो टर्म थी वो क्या थी, एम बाई ई थी, जबकि यहाँ पे ग्राफ को यूज करते हुए हमें क्या स्लोप मिल रहा है, ई बाई एम। मतलब कि इक्वेशन में अगर आप इस स्लोप की वैल्यू को अप्लाई करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्लोप की वैल्यू को यूज नहीं करेंगे, लेकिन वन अपॉन स्लोप की वैल्यू को यूज करेंगे। मतलब कि स्लोप का रेसिप्रोकल यूज करना होगा। तो यहाँ पे वन ओवर स्लोप क्या मिलेगा आपको, एम बाई ई, जो कि यंग मॉड्यूलस के बेसिक इक्वेशन में आप देख सकते हैं। तो ये ग्राफ को अच्छी तरह से ड्रॉ करने के बाद ये जो आपका स्लोप है, उस स्लोप का आप यहाँ पे लेंगे रेसिप्रोकल, और उस रेसिप्रोकल वैल्यू मतलब कि एम बाई ई को आप यूज करेंगे कैलकुलेशन में। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन में आपके पास थियोरिटिकल यंग मॉड्यूलस और एक्सपेरिमेंटल यंग मॉड्यूलस दो अलग अलग टर्म्स है। तो थियोरिटिकल यंग मॉड्यूलस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, उस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको लास्ट में जो कॉलम में वैल्यू मिली थी एवरेज एम बाई ई, उस एवरेज एम बाई ई की वैल्यू को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे जी और एल क्यूब, ये सभी बातें तो कॉन्स्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी टर्म्स का आइडेंटिफिकेशन दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप डब्ल्यू बाई ई यूज करते हैं, तो आप एम को यहां से डब्ल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जी की वैल्यू है ना, वो इस इक्वेशन में आपको 980 नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि एम के साथ जब जी मल्टीप्लाई होता है तब वो डब्ल्यू बन जाता है ना। तो यहां पे अगर आप ऑलरेडी डब्ल्यू बाई ई अप्लाई करते हैं, तो इस इक्वेशन में आप जी यूज नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको वहीं पे बताया था कि अगर आप इसी ऑब्जर्वेशन टेबल को फॉलो करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, एम बाई ई डिटरमाइन कीजिए और आपके यंग मॉड्यूलस के इक्वेशन में जी को एज इट इज यूज कीजिए। तो यहाँ पे जी 980, फिर यहाँ पे कैपिटल एल क्यूब। तो कैपिटल एल क्यूब क्या है, जो आपने फर्स्ट स्टैंड और सेकंड स्टैंड, इन दोनों स्टैंड के बीच में जब आपने मटेरियल रखा था, तो मटेरियल की इस नाइफ एज से लेकर इस नाइफ एज तक की ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हम बोलते हैं कैपिटल एल, और इसी कैपिटल एल को आप यहाँ पे क्यूब फॉर्म में यूज करेंगे। मतलब कि हमने जैसे ऑब्जर्वेशन टेबल में बोला था 80 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का क्या यूज करेंगे, क्यूब यूज करेंगे। तो ये है आपका जी एल क्यूब। फिर एम बाई ई ऑब्जर्वेशन टेबल से आपको मिलेगा, 4 कॉन्स्टेंट है। बी और डी, ये है ब्रीथ और डेप्थ, जो कि कोई भी मटेरियल जो आपको दिया गया है, उस मटेरियल को आप मेजर करेंगे बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो यहाँ पे थियोरिटिकल वैल्यू कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी। तो थियोरिटिकल वैल्यू हमने डिटरमाइन की बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन टेबल। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में ये जो आपका जी एल क्यूब अपॉन 4 टाइम बी डी क्यूब, ये जो टर्म है वो टर्म यहाँ पे भी सेम है, लेकिन चेंज होगा यहाँ पे 1 ओवर स्लोप। तो जैसे हमने ग्राफ में देखा कि ग्राफ में आपका स्लोप है ई बाई एम, लेकिन इक्वेशन कौन सी टर्म की डिमांड कर रहा है, इक्वेशन डिमांड कर रहा है एम बाई ई की। तो हम यहाँ पे लेंगे स्लोप का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे होगा 1 ओवर स्लोप। तो ग्राफ में से जो आपको स्लोप मिल रहा है, उस स्लोप की वैल्यू को यूज करते हुए आप यहाँ पे 1 ओवर स्लोप रखेंगे, और यहां से आपको वैल्यू मिलेगी एक्सपेरिमेंटल यंग मॉड्यूलस की। तो ये दोनों वैल्यू आइडेंटिकली थियोरिटिकल और एक्सपेरिमेंटल टर्म में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जैसे ही आपको ये दोनों वैल्यूज मिल जाती है, तो आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए आगे आखिर में बात करते हैं रिजल्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल के बारे में। तो इस प्रैक्टिकल में आपका रिजल्ट है यंग मॉड्यूलस ऑफ द गिवन मटेरियल फ्रॉम थियरी एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल। तो जो थियोरिटिकल आंसर आपको यहाँ पे मिला है, वो आपको डाइन पर सीएम स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, और ये आपका प्रैक्टिकल आंसर यहाँ पे आपको डाइन पर सीएम स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।